हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे लोअर लिम्ब की आर्टरीज के बारे में। तो देखिए, पहला पहले हम पूरी की पूरी लोअर लिम्ब की आर्टरीज को कवर करेंगे, उसके बाद आएंगे उनकी ब्रांचेज पे कि जो जो लोअर लिम्ब की मेन आर्टरीज होती है उनकी ब्रांचेज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज है, क्योंकि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ही आगे जाके कहाँ जाती है, लोअर लिम्ब के अंदर। ओके, तो देखिए, दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक से दो आर्टरी निकली, कौन सी? दिस इज एक्सटर्नल इलियक एंड दिस इज इंटरनल इलियक। ओके, अब देखिए, हमें एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को लोअर लिम्ब में पहुंचाना है। तो देखिए, ये लोअर लिम्ब में पहुंच गई, वो कैसे? क्योंकि इसने यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर दिया। तो ये ग्रीन ग्रीन क्या शो कर रहा है? दिस इज फॉर, ये कर रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, और अब इसे क्या बोलेंगे? अब इसे बोलेंगे फिमोरल आर्टरी। मतलब क्या कि इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले तो क्या थी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, बट जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, अब उसे ही क्या बोलेंगे? फिमोरल आर्टरी। तो देखिए, फिमोरल आर्टरी आ गई हमारी लेग में। अब देखिए, फिमोरल आर्टरी नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। अब क्या होगा? अब होगा ये फीमोरल आर्टरी जो है, अब ये बनेगी पोपलीटियल आर्टरी। ओके, मतलब अब ये जाएगी पीछे की साइड। तो देखिए, जो भी मैं डॉटेड फॉर्म में बनाऊंगा, उसका मतलब है कि वो है पोस्टीरियर साइड। तो देखिए, अब फीमोरल आर्टरी क्या बन गई? अब फीमोरल आर्टरी बन गई पोपलीटियल आर्टरी। अब देखिए, फीमोरल पोपलीटियल बन गई। इसके बाद क्या होता है? जो पोपलीटियल आर्टरी होती है वह दो पार्ट में डिवाइड होती है। दो पार्ट कौन से? एंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो देखिए, ये जो डॉटेड पोपलीटियल आर्टरी है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज एंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड दिस इज पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर टीबियल आर्टरी की। देखिए, डॉटेड का मतलब है ये कि ये पोस्टीरियर साइड है। ओके, तो पोपलीटियल एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में डिवाइड हो गई। उसके बाद जो एंटीरियर टिबियल होती है वो आती है आगे की साइड। आगे की साइड कैसे आएगी? इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके। तो देखिए, मैंने ग्रीन ग्रीन से यहाँ एक यू शेप का मार्क बनाया है, मतलब कि एंटीरियर टिबियल ने पीछे से आगे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और आगे की साइड आ गई। हमने इसको एंटीरियर टीबियल बोला, तो बेसिकली एंटीरियर क्यों बोला? क्योंकि ये आगे आएगी। ओके, तो एंटीरियर टीबियल आर्टरी अब आगे की साइड, मतलब फ्रंट साइड आ गई और ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड गई। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन शो कर रही है दो मेल्योलस, एक एक होता है ना, दिस इज लेटरल मेल्योलस एंड मीडियल मेल्योलस। देखिए, दोनों मेल्योलस को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन खींची। ओके, तो अब इसे क्यों खींचा? क्योंकि ये एक लैंडमार्क है। लैंडमार्क कैसे? देखिए, इस इमेजिनरी लाइन के पहले तो क्या थी? ये पहले थी एंटीरियर टीबियल आर्टरी, और जैसे ही इसने इस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस किया, अब इसे क्या बोलेंगे? अब इसे बोलेंगे डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी। मतलब वैसे ही है जैसे हमने यहां बताया था ना कि इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले क्या था? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, बट जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, क्या बन गई? फीमोरल आर्टरी। वैसे ही यहाँ पे है, दिस इज एंटीरियर टिबियल आर्टरी, लाइन को क्रॉस किया, बन गई डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी। तो देखिए, ये डोर्सेलिस पेडिस पेडिस आर्टरी आगे गई, और ये यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ये नीचे की तरफ प्लांटर सरफेस में पियर्स कर जाती है, जो होता है ना फर्स्ट, हम लेग की बात करेंगे तो ग्रेट टो और उसके पास वाले सेकंड टो, मतलब फर्स्ट टो और सेकंड टो के बीच में ये नीचे की तरफ पियर्स हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड चली जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ही इस आर्टरी को बंद कर दिया, मतलब कि अब ये कहाँ गई? प्लांटर सरफेस पे, यानी नीचे की साइड गई। ओके, तो देखिए, ये तो हो गया एंटीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ कैसे, मतलब एंटीरियर टिबियल आर्टरी का पूरा पाथवे। अब आते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पे। तो देखिए, ये वाली क्या है? पोस्टीरियर टिबियल, और नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ होगी? पोस्टीरियर साइड होगी। तो देखिए, मुझे सारा डॉटेड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। ओके, उसके बाद क्या होता है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, जिसे बोलते हैं कॉमन पेरोनियल आर्टरी। ओके, क्या बोलते हैं उसे? कॉमन पेरोनियल आर्टरी। देखिए, तो ये निकली इससे एक ब्रांच,
जिसे बोलेंगे हम कॉमन पेरोनियल। और देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि आपको जहां भी कॉमन पेरोनियल या फिर पेरोनियल वर्ड मिले, मतलब किससे रिलेटेड है, फिबुला बोन से रिलेटेड है। जैसे पेरोनियल नर्व होती है, सुपरफिशियल डीप पेरोनियल नर्व होती है, मतलब कि पोस्टीरियर टिबियल से निकली कॉमन पेरोनियल आर्टरी। ओके, ये आर्टरी निकली। उसके बाद देखिए, जो कॉमन पेरोनियल आर्टरी होती है, उसके बाद ये कुछ नहीं, यहीं जाके ये एंड हो जाती है। मतलब जो होता है ना, कैल्केनियम, कैल्केनियम बोन के अंदर ब्रांचेज देके एंड हो जाती है कॉमन पेरोनियल आर्टरी। और उसके बाद हम बात करें, दिस इज पोस्टीरियर टिबियल। देखिए, इन सारों की नेमिंग अभी लिखेंगे हम। तो देखिए, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर टिबियल। उसके बाद ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई गई गई। उसके बाद जो पोस्टीरियर टीबियल होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट कौन से? एक होगा इसका मीडियल प्लांटर आर्टरी, जो कि जाएगी एकदम सीधी, और एक होती है लेटरल प्लांटर आर्टरी। ओके, जो जाएगी थोड़ी न्यू। मतलब मीडियल प्लांटर आर्टरी कहाँ जाएगी? ग्रेट टो में या फर्स्ट टो में। और ये होती है, ये मैंने इस साइड बनाई है, दिस इज लेटरल प्लांटर आर्टरी। ओके, और यहाँ जाके ये एंड हो गई। तो देखिए, हमने सारा का सारा लोअर लिम्ब की मेन आर्टरीज को पढ़ लिया है कि कौन सी आर्टरी कैसे होती है। अब आते हैं इनकी नेमिंग पे। तो देखिए, नेमिंग तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने इसे क्या बताया था, दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो ये क्या है, दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक ने दो ब्रांचेज दी, ये वाली कौन सी है, दिस इज इंटरनल इलियक। ओके, और जो ये वाली है, ये वाली कौन सी है, दिस इज एक्सटर्नल इलियक। ओके, तो ये एक्सटर्नल इलियक हो गई, और एक्सटर्नल इलियक ही आगे की तरफ गई, और इसके बाद जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, क्या बन गई, ये बन गई हमारी फीमोरल आर्टरी। तो दिस इज फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी नीचे की तरफ डाउनवर्ड गई, उसके बाद फीमोरल आर्टरी क्या बन गई, ये बन गई हमारी पोपलीटियल आर्टरी। दिस इज पोपलीटियल आर्टरी। देन पोपलीटियल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हुई, दिस इज एंटीरियर टीबियल एंड दिस इज पोस्टीरियर टीबियल। तो ये कौन सी होगी, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। और ये वाली कौन सी होगी, दिस इज एंटीरियर टीबियल आर्टरी, दिस इज एंटीरियर टीबियल आर्टरी। अब देखिए, एंटीरियर टीबियल आर्टरी ने जैसे ही इमेजिनरी लाइन क्रॉस किया, वो क्या बन गई, ये बन गई हमारी डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी, डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी। ओके, अब देखिए, हमने बोला था कि ये भी क्या है, ये दोनों पोस्टीरियर टीबियल ही है, ये पूरी की पूरी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी से एक ब्रांच निकली, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉमन पेरोनियल आर्टरी। ओके, तो ये हो गई कॉमन पेरोनियल आर्टरी। अब देखिए, जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये वाली कौन सी होगी, दिस इज मीडियल प्लांटर आर्टरी। ओके, तो दिस इज मीडियल प्लांटर आर्टरी, और एक ये वाली है, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज लेटरल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी। ओके, तो मीडियल प्लांटर आर्टरी हो गई, लेटरल प्लांटर आर्टरी हो गई। देखिए, अब तक तो हमने मेन मेन आर्टरीज को बताया था कि ये मेन मेन आर्टरीज होती हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, कि इनकी ब्रांचेस क्या होती है। तो देखिए, सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में बताएंगे आपको।